आज के व्याख्यान में हम तालों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे और इसमें आज हम एक ताल और चार ताल या चौताल इनका तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। मैं डॉक्टर राम मनोहर शर्मा, सह आचार्य संगीत। तुलनात्मक अध्ययन में मुख्य रूप से दो बातें देखी जाती हैं। पहली बात यह कि इनमें समानता क्या है और दूसरी बात कि इनमें असमानता क्या है। ताल ही क्या, किसी भी चीज़ की हम तुलना करते हैं तो दो चीज़ उनमें विशेष देखते हैं, समानता और असमानता। इसी तरीके से हम इन तालों का जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इनकी पहले समानता देखेंगे और इनकी असमानता देखेंगे। सबसे पहले समानता अगर हम देखें तो जो दोनों ही ताल हैं वो 12-12 मात्रा की ताल है। ताल एक ताल भी 12 मात्रा की है और ताल चार ताल भी 12 मात्रा की है। दोनों ही तालों में 6 विभाग हैं और प्रत्येक विभाग में दो दो मात्राएं हैं, चाहे वो एक ताल हो या चार ताल हो। जो ताली है वो पांचवी, नवी और 11वीं मात्रा पर है, एक ताल चौड़ ताल दोनों में। और जो खाली है वो तीसरी और सातवीं पर है। हमने ऊपर कहा है ताली पांचवी, नवी और 11वीं पर है, लेकिन पहली मात्रा सम है, उसमें भी ताली बजती है। एक तरह से इसको हम ये कहेंगे कि चार बार इसमें ताली देनी है और दो बार खाली दर्शाना है, चार और दो छः। इस तरह से कुल छः प्रक्रियाएं इसमें हमें करनी है और दोनों ही तालों में ताली देने की क्रिया एकदम सेम है। ये तो हो गई इसकी समानता है। अब हम बात करते हैं इसकी असमानता पे। पहली जो मुख्य असमानता है वो है इसके बोलों में। ताल एक ताल के अलग बोल हैं और ताल चार ताल के अलग बोल हैं। तो पहले सुनते हैं हम ताल एक ताल के बोल। साथ में तबला भी बज रहा है, उसके साथ में बोल बोलता हूँ उस ताल का, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ताल एक ताल। थोड़ा इसको तेज कर लेते हैं। सुनिए, धिन धिन धागे तेरे कीट तू ना कत्ता, धागे तेरे कीट धिन ना ना धिन। इसकी ताली का प्रदर्शन देके मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, पहली पांचवी, नवी और 11वीं पे आपको ताली देनी है और तीसरी और सातवीं पर खाली देनी है। धिन धिन धागे तेरे कीट तू ना कत ता, धागे तेरे कीट धी ना ना धिन। ये रही आपकी ताल एक ताल और ताल एक ताल के बोल। जैसे मैंने कहा था कि जो इसका एक मुख्य असमानता है वह इसके है बोलों में असमानता। अब हम सुनते हैं ताल चौताल इसके क्या बोले हैं। साथ में मैं बजा भी रहा हूँ इसमें और आपको बोल के भी दिखाऊंगा।
सुनिए, धा धा दिन ता के ट धा दिन ता ते ट कत ग गण धा। वही सेम ताली की प्रक्रिया, ताली खाली की पहली पांचवी नवी और ग्यारहवीं पर ताली और तीसरी और सातवीं पर खाली। इसका भी वीडियो मैंने पहले बना के अपलोड किया है। धा धा दिन ता के ट धा दिन ता ते ट कत ग दि ग धा। ये तो हो गई बोलों में असमानता। दूसरी असमानता है इसके जो बोल के बजाने के तरीका होता है उसमें असमानता। जो ताल एक ताल के बोल हैं वो तबले में बजते हैं जिस तरीके से कि वो बंद बोल इसको हम बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली हम कक्षा में जब ध्रुपद गाते हैं तो साथ में तबले के चौताल हम तबले में ही बजा देते हैं। लेकिन ये भी एक मुख्य असमानता है कि जो एक ताल है वो तो तबले में बजाई जाती है और जो चौताल है उसे पखावज में बजाया जाता है। ये भी एक प्रमुख असमानता है। इसका कारण क्या है कि जो एक ताल के बोल हैं वो बंद बोल कहलाते हैं और चौताल में खुले बोल बजते हैं। आप दोनों को सुन के अंतर भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बंद बोल किस तरह से होते हैं और खुले बोल किस तरह से होते हैं। एक बार फिर से सुनिए, एक बार जस्ट मैं एक ताल बजाता हूँ और उसके बाद चौताल बजाता हूँ, आपको दोनों के बोल में अंदाजा चल जाएगा कि एक बार धिन धिन इस तरह से बंद बोल है, धा धा चौताल में इस तरीके से खुले बोल है। एक बार फिर से सुनिए। फिर से सुने, एक ताल बंद बोल से किस तरह से बचती है। धिन धागे तिर किट तू ना, बंद बोल चल रहे हैं कत ता धागे तिर किट धी ना ना धिन। अब इसी क्रम में मैं अभी आपको एक ताल बजा के बताता हूँ, उसकी चाल आप देखो कैसे खुले तरीके से बजेगी। धा धा इस तरीके से धा धा दिन ता ते ट धा दिन ता ते ट कत ग दि ग न धा धा इस तरीके से। इसमें खुले बोल है, एक ताल में बंद बोल, चौताल में खुले बोल, और ये भी इसकी एक प्रमुख असमानता है। एक और असमानता है वो इनकी गायन शैलियों के साथ में है, संगत की। जो एक ताल की जो संगति होती है वो छोटे ख्याल, बड़े ख्याल या यूँ कह सकते हैं ख्याल गायकी, तराना, इनके साथ एक ताल की संगति की जाती है और चौताल की संगति की जाती है ध्रुपद गायकी के साथ। ये भी एक मुख्य असमानता है कि एक ताल की संगति ख्याल गायकी, तराना गायकी, द्रुतिया, बड़े ख्याल जो होता है, ख्याल दोनों तरह के, बड़े ख्याल छोटे ख्याल दोनों में इसका प्रयोग होता है, और तराना गायकी में एक ताल का प्रयोग तबले के साथ किया जाता है और चौताल का प्रयोग होता है वो ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है। इस तरीके से आज हमने इन दोनों की समानता और असमानता क्या क्या है ये देखी। अगले व्याख्यान में हम अगले ताल के जोड़े जैसे सुल ताल और झप ताल है, इनके बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।